143 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। नमस्कार, NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के जो विरोध चला, कहीं ना कहीं विरोध, छात्रों का विरोध तो शांत हो गया, लेकिन राजनीति पार्टियों का विरोध अभी भी जारी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पहुंचे हुए थे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, और उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा है कि 243 विधानसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ में वो एक सत्याग्रह करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेस वार्ता करते हुए कन्हैया कुमार 243 विधानसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ में जो प्रदर्शन होने वाले हैं, यानी कि सत्याग्रह होने वाले हैं, उसके विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए आप। सरकार यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है, सरकार तुरंत इस योजना को वापस करे, सबसे पहली बात। दूसरी जहां तक बात है, और जो कोई चीज है, तो कांग्रेस पार्टी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिलीव करती है। हमारे देश में हर चीज को बनाने का, करने का एक पार्लियामेंट्री तरीका है, कमिटीज उसकी बनी हुई हैं, ठीक है। और ये तमाम जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, उस सवाल को सरकार एड्रेस करे, और समाधान जो आप पूछ रहे हैं, समाधान इसका यही है कि आप सेना जैसी सेवा में अस्थाई सेवा को बंद ना करें। और हमारे पास तो नंबर नहीं है, हम सरकार में नहीं है, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ये योजना चूंकि देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है, हम इसको वापस लेंगे, यही हमारा समाधान है। विपक्ष में है तो हमारी भूमिका है कि हम सरकार को कहें, सरकार इसको वापस ले। सरकार अगर कोई सुधार करना चाहती है तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। जितनी कमेटियां हैं उससे वो डिस्कस करें, स्टेक होल्डर से बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। जो अस्थाई भर्ती है उसको बिना बंद किए अगर ये कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उसमें बात हो सकती है। आपको या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये देश की सुरक्षा में भी ठेकेदारी लाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के नौजवानों की उस भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है, यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं, उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। तो आपने कन्हैया कुमार को सुना, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना, जो छात्रों के सेना में भर्ती योजना को लेकर के जो योजना आई है केंद्र सरकार के तरफ से, कहीं ना कहीं सेना पर, सेना की सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा सवाल है, और इसको वापस लेने को लेकर के वो एक सत्याग्रह आंदोलन करने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक सत्याग्रह आंदोलन करेगी 243 विधानसभा में। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो कन्हैया कुमार 243 विधानसभा में सत्याग्रह आंदोलन की बातचीत कर रहे हैं, वो कब से इनकी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों का।